तो है गाइस, हम आ गए एक नई वीडियो के साथ वापस और बहुत दिनों बाद आए हैं। तो आज हम बड़ी अनबॉक्सिंग करेंगे, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अब तुम देख पा रहे होंगे ये है आइडिया पैड गेमिंग लिखा है, गेमिंग 3 लैपटॉप है। तो ये लैपटॉप मैंने कुछ आज से 2 या 2.5 महीने पहले ले लिया था और फिर मेरी पढ़ाई वगैरह चलती रही तो मैंने सोचा इसके ऊपर पहले अच्छे से मतलब रिसर्च वगैरह कर लें कैसा क्या लैपटॉप है, उसके बाद मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा कि क्या दिक्कत है इसमें और अगर तुम्हें लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं ये लैपटॉप मेरे को पड़ा कितने का है। तो कितने का पड़ा भाई? तो ये मेरे को कुछ 72,990 रुपये का पड़ा है और 50 रुपये कैश करो से डिस्काउंट मतलब कैश बैक मिल गया था। तो वो समझ गए, 50 रुपये कौन देता यार, इससे ज़्यादा तो भीख मांग लेता तो मिल जाती। खैर, अब जो भी है सो है। तो अब इसका डब्बा खोल कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है, मतलब क्या क्या फीचर्स हैं इसके। ठीक है, समझ गया। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ आता है हमारा लैपटॉप। तो पेपर को हटाते ही कुछ इस तरह का अंदर बॉक्स मिल जाएगा, बॉक्स मैंने जैसे तुम्हें शुरू में ही दिखा दिया था वैसा बॉक्स मिल जाएगा हमारे यहाँ और उसके अंदर रखा मिलेगा तुम्हें एक बिल, जिसे देखने के बाद आपका कांप जाएगा दिल। क्या बात है सर। तो देखो, बॉक्स को खुलने के बाद सबसे पहले तुम्हें कुछ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाने के सिस्टम वगैरह मिल जाएंगे, इससे आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। और वहीं कुछ रखे मिल जाएंगे तुम्हें प्रेम पत्र, जिन्हें कोई नहीं पढ़ता है। और साथ ही में तुम्हें एक 135 वॉट का चार्जर रखा मिल जाएगा, मतलब समझ रहे ना, तुम्हें चार्जर भी मिल रहा है। एप्पल वालों की तरह कंजूस नहीं है कि चार्जर नहीं देते। तो कुछ इस तरह का हमारा लैपटॉप आता है। तो इसकी तुम लुक्स देख लो, फिर हम इसके बाद में बात करते हैं इसके फीचर्स की। बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको राइजन 7 1500H का प्रोसेसर मिल जाएगा और तुम्हें 4GB का GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा और 16GB की रैम मिल जाएगी जो कि सिंगल स्लॉट में है, जिसे कि तुम अपग्रेड करके 32GB तक ले जा सकते हो। और ये बात मैंने कंफर्म की थी वेनमटेक के कमेंट बॉक्स में से, क्योंकि मैंने ये लैपटॉप मंगाने से पहले उनकी वीडियो देख रखी थी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं भी उन्हीं की जाके वीडियो देख लेता हूं, लेकिन एक सेकंड, उन्होंने इसका अपग्रेडेड वर्जन मंगा रखा है और मैंने इसका मंगा रखा है बेस वर्जन। अब जो लोग बेस वर्जन लेना चाहते हैं तो इसमें और उसमें कुछ चेंजेस हैं जो कि तुम्हें वीडियो में आगे पता चल जाएंगे, तो वीडियो को देखते रहो। तो इसमें तुम्हें एमएस ऑफिस 2021 लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलता है, इसके टॉप वेरिएंट में मिलता है लेकिन इसमें नहीं मिलता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि पायरेटेड यूज कर लो, पैसे बच जाएंगे, अब आगे तुम समझदार हो। अब देखो, कहने को तो ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है पर फिर भी मेरा 1 वोल्ट इसमें से निकल गया। तो सभी लैपटॉप की तरह इसमें भी तुम्हें विंडो 11 प्रीलोडेड मिल जाएगा और 3 महीने का एक्सबॉक्स गेम पास फ्री मिल जाएगा, जो कि डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, उसके बाद तुम उसे यूज कर सकते हो। और वहां से 3 महीने के पहले उसे रिमूव भी करना पड़ेगा याद से, अगर रिमूव नहीं करते हो तो पेमेंट ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो मैंने ये बकचोदी की नहीं है डालने की, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम डाल सकते हो। अब बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे तुम्हें 120Hz की HD डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 125 nits के साथ आती है। अब nits का क्या मतलब होता है, ये ब्राइटनेस के लिए होती है कि कितनी ब्राइटनेस होती है। इस प्राइस पॉइंट में ओवरऑल वैसे ज़्यादातर लैपटॉप में 400 nits तक मिल जाती है, लेकिन इसमें 125 पे मिलती है। अब जो भी है क्या किया जाए, मेरे को ज़्यादा आउटडोर में काम करना नहीं है तो इतनी ब्राइटनेस मेरे लिए बहुत है, ज़्यादा फिर आँख पे भी दर्द होता है, इतनी में भी मैं कम करके चलाता हूँ। हाँ, इसमें कलर एक्यूरेसी वाले काम कम कर पाओगे क्योंकि इसका कलर एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है, कुछ 45% NTFC आती है जो कि कम है। तो कलर ग्रेडिंग के लिए मैं कोई जुगाड़ वगैरह बिठाऊँगा जिससे मैं काम चला सकूँ। और बात करें इसके कीबोर्ड की, तो
तुम्हें फुल साइज बैकलेट कीबोर्ड मिल जाएगा जो कि तुम्हें दो मोड की लाइट के साथ मिलता है। फर्स्ट की फंक्शन की के साथ जब तुम स्पेस बार दबाओगे तो पहली ब्राइटनेस हो जाएगी और एक और बार दबाओगे तो थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और तीसरी बार दबाओगे तो बंद हो जाएगी, यानी कि तुम्हें दो मोड मिल जाते हैं। इसके कीबोर्ड में एक बात है जो मुझे सबसे अच्छी लगी है कि इसकी जो अप डाउन वाली कीज हैं जो कि फुल दी हैं, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी डिज़ाइन में मतलब स्ट्रेट डिज़ाइन नहीं रहती, थोड़ी डिज़ाइन चेंज हो जाती है, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन पसंद आई है। क्योंकि बाकी लैपटॉप में क्या, जब हम गेमिंग करते हैं तो अप डाउन वाली की का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो बहुत पतली होती है तो सही से क्लिक नहीं कर पाते उस पर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया है, कीज़ बिल्कुल तुम्हें फुल मिलती हैं। तो बात करें अब इनके स्पीकर की, तो यहाँ पे तुम्हें दो HD स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएंगे जिनका आउटपुट कुछ ऐसा है। बात करें इसके वेबकैम की, तो तुम 720p तक की इससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और जो कि तुम्हें फिजिकल प्रोटेक्शन के साथ मिल जाएगा जो कि इस साइड ऑफ होता है और इसे स्विच करोगे तो ऑन हो जाएगा। इससे क्या तुम हैकर वगैरह से प्रोटेक्ट रह सकते हो और तुम अपने आराम से मज़ेदार वो वाली वीडियो देख सकते हो। और बैटरी की बात करें तो बैटरी इन्होंने मेंशन कर रखी है कि 5.5 घंटे चलती है, लेकिन क्या 5.5 घंटे चलती है? देखो वैसे तो बैटरी इसकी 2 से 3 घंटे चलती है, अगर थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लोगे तो 3.5 घंटे मान लो बस इतनी, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगी। अब 4.5 घंटे इन्होंने क्यों लिख रखी, कहाँ पे चलाई ये तो वही जानते होंगे। तो अब बात करते हो ओवरऑल की, तुम्हें ये लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। देखो सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इस प्राइस पॉइंट पर राइजन 7 कोई नहीं दे रहा है, कोई कंपनी नहीं देती है, लेकिन कुछ एक दो कंपनी हैं जिनके साथ तुम्हें कंप्रोमाइज़ थोड़ी बहुत चीज़ों में करना पड़ेगा छोटी मोटी। तो मेरे को क्या परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए थी तो मैंने ये वाला लिया है। हाँ इसका अब वेरिएंट अगर तुम थोड़े 2-3 हज़ार रुपये लगा सको, अगर तुम्हारे पास हो, मेरी किडनी इतने में ही बची थी तो मैंने यही वाला प्रेफर किया। अगर तुम्हारे पास थोड़े और पैसे हों, 2-3 हज़ार लगा सको, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम इसका अपग्रेडेड वर्जन लो जिसमें कि तुम्हें RTX 3050 मिलेगा, इसमें GTX 1650 मिलता है जो कि थोड़ा सा कम है। RTX थोड़ा इससे बेटर होता है और वो 3050 है, तो ग्राफिक्स के मामले में वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी मेरे को काम चलाना है तो इतने में हो जाएगा। और हाँ इसका वेट थोड़ा हैवी है, करीब 2.5 किलो के अराउंड है, अगर तुम्हें चले तो तुम ले सकते हो, बाकी तुम समझ लो। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और अगर ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो शेयर वेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ऐसी वीडियो और देखनी है। और कोशिश करूँगा छाती पे चढ़ के चला ले। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मैं तो चलो समोसा खाने। मम्मी फिर से समोसा चटनी के साथ गुटमा आलू की सब्जी चाहिए। खाना वो तो खा ले, नहीं मैं खा लूंगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये भी चलेगा।